आज चलते हैं घर अपने भाई, आज जो है नेक्स्ट लेवल ही मजा आने वाला है, ठीक है, क्योंकि भाई एक महीने बाद जो है मैं घर जा रहा हूँ। शिट 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 भाई। तो गाइस मैंने अपनी बाइक में डला दिया अपोलो अल्फा H1 के टायर्स, आपको पता है भाई कितने बेस्ट टायर्स है। ओ भाई क्या मजा आ रहा है भाई। ओ भाई छैला तो हमने जो है अब क्रॉस कर ही दिया समझो। गाइस रिएक्शन देख रहे हो उस लड़की के उड़ाते हुए उड़ाते हुए, आराम से चले गया हूँ मैं रोहड़ू से पावा। गाइस रोहड़ू से पावा। सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहड़ू से बावा। तो गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई 9:15 में। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है जैसे कि आपने पिछले वाले व्लॉग में देखा ही होगा। तो भाई मैं जा रहा हूँ भाई घर, जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे ऊपर जो पूजन वगैरह होना है भाई, अभी मतलब नो एंट्री हटी है 2-3 मिनट पहले। तो अभी चलते घर फटाफट से, आज चलते घर अपने भाई, आज जो है नेक्स्ट लेवल ही मजा आने वाला है, ठीक है, क्योंकि भाई एक महीने बाद जो है मैं घर जा रहा हूँ। और भाई सृष्टि ना यार बहुत ज्यादा मतलब सैड थी जब उसको मतलब पता चला कि मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, मिली तो नहीं मतलब फोन कॉल पे बातचीत हुई। अब यार उसको भी मतलब यार आपको पता है एक महीने से हम लोग जो है साथ ही है, मतलब उसको भी बहुत ज्यादा जो है बुरा लगता है, मतलब बुरा लगा यार उसके भी, मतलब उसने दोस्त दोस्त कोई नहीं रखे यार, उसके पास जो भी हो मतलब मैं ही हूँ, मतलब घूमने फिरने हम लोग साथ ही होते हर जगह, ठीक है। अभी मैंने यार आगे जो है तेल भी भराना है, तेल भी भाई एक ही डंडा है भाई, मैंने पीछे तेल भराना था, आपसे बातें करते करते भाई पता नहीं लगा कि तेल भी भराना है भाई। वो भाई अभी मैं पहुंच गया हूँ ढली चौक आगे यार संजौली में, यार पेट्रोल पंप जो है ना मतलब वहाँ पे ना बहुत ज्यादा जो है जाम लगा हुआ था, फिर मैंने सोचा जाम में क्या फंसना, आगे निकलते हैं ठेक तक तो शायद चल पड़ेगा पेट्रोल, भाई एक ही डंडा है देख रहे हो। अब देखते भाई क्या यार मतलब जाम ने भाई परेशान कर दिया भाई। सुबह आपको पता है यार ऑफिस और स्कूल वाला टाइम होता है तो उस वजह से जाम आपको पता है भाई लगता है यार, वो चाहे कोई भी सिटी हो भाई जाम लगता है आपको खुद ही पता है, ठीक है भाई देख रहे हो भाई मेरे को ना जाम बिल्कुल नहीं पसंद है। और मैंने अपने हेलमेट का वाइजर जो है वो भी ब्लैक लिया है, इस वजह से मैं इसको जो है नीचे करके रखता हूँ भाई, और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना गाइस अभी मतलब ये हाल है, तो भाई दिन में तो क्या हाल होने वाला है। बस एक बार इस जाम से निकल जाऊँ, बाकी तो आपको पता है भाई रोडू तक कैसा हमें जो है रोड मिलने वाला है भाई जी। और मैंने जो अपने बाइक में कराया है ना उससे तो मेरे को और भी ज्यादा मजा आने वाला राइड करके, ठीक है, आगे कहीं रुकेंगे यार फिर मैं आपको दिखाऊंगा, बस एक बार इस जाम से निकल जाए भाई। वो ऊपर तक जाम लगा हुआ है, वो ऊपर तक आपको पता नहीं शायद दिख रहा होगा नहीं, वो ऊपर तक शिमला में तो भाई आपको पता है आजकल तो भाई बहुत ही ज्यादा जाम लग रहा है, सारे टूरिस्ट जो है भाई शिमला शिमला शिमला। अभी गए फ्यूल रेंज बता रहा है 70 किलोमीटर और ठेक यहाँ से 30 किलोमीटर, तो भाई बड़े आराम से जो है पहुंच जाएगी, मुझे लगता है छैला तक तो बड़े आराम से पहुंच जाएगी बाइक। अब भाई हम पहुंच गए हैं कुफरी, तो भाई अब जो है नेक्स्ट लेवल मजा आने वाला है भाई, सीधी रोड्स, तरस गया था भाई तरस गया था। ऊपर से जो चीज़ मैंने बाइक में कराई है ना उसके साथ तो भाई ऐसी रोड चाहिए होती जहाँ लीन हो और ऐसे अच्छे रोड्स हो। और भाई आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा, एक बाबा है जो कन्याकुमारी से आया है, ठीक है, मतलब उनकी ना यार दोनों टांगे नहीं है, मतलब घुटनों में उन्होंने ना कुछ ट्यूब के मतलब पीसेज लगाए हुए थे, ठीक है, वो यार मतलब उनकी ना दोनों टांगे नहीं है। और भाई वो बाबा जो है ना भाई श्रीखंड यात्रा पर जो है निकले हुए, देखो भाई क्या यार वो बाबा जो है जो श्रीखंड यात्रा पे निकले हुए, ठीक है, दोनों टांगे नहीं और पैदल यात्रा पे निकले, ना उनके पास गाड़ी है ना उनके पास रहने को कुछ घर है, ठीक है, पीठ में इतना सारा भुजा वगैरह मतलब उसमें तरपाल वगैरह मतलब टेंट टूट होगा जो भी, और दोनों टांगे नहीं है भाई बाबा की, मतलब इतना बुरा लगा ना भाई जब मैंने वीडियो फेसबुक पे देखा, ठीक है, बाकी मैं यार फोटो डाल रहा हूँ फोटो देख लो एक बार। श्रीखंड यात्रा पे निकलना भाई बहुत बड़ी बात है। 2018 में गाइस मैं खुद श्रीखंड महादेव का ट्रैक जो है कर चुका हूँ, वहाँ पे ना भाई अच्छे से अच्छा बंदा जो है दम तोड़ देता है, दम तोड़ना इन द सेंस कि नहीं चढ़ पाता है, क्योंकि भाई श्रीखंड मतलब बहुत टफ ट्रैक है जहाँ तक मैं मेरे को पता है जो मैंने खुद देखा है भाई, क्योंकि मैं श्रीखंड ट्रैक खुद भी करके आ चुका हूँ 2018 में। तो भाई बाबा के अंदर इतनी हिम्मत है, ये भाई भक्ति है और महादेव की शक्ति है, ठीक है भाई, पैदल कोई बंदा कन्याकुमारी से भाई बहुत बड़ी बात है गाइस, बहुत बड़ी बात है श्रीखंड महादेव गाइस, मतलब भाई ये शक्ति नहीं है तो और क्या है आप लोगों के सामने है, ठीक है, सोचो भाई घुटनों के सहारे वो बाबा चल रहे थे ऐसी रोडों पे, परसों मतलब यहीं कुफरी में उनको जो है देखा गया था। मैं सच बोलूँ गाइस ना ठीक ठाक बंदा भी ना जिसके टांग बाजू सही सलामत है ना वो बंदा भी श्रीखंड जाने से पहले 10 बार सोचेगा, वो बात है गाइस, ठीक है, बाकी चलो यार बाबा की जो यात्रा है वो मंगलमय हो, मतलब पूरी यात्रा जो है सेफ हो भाई। अभी तो वो श्रीखंड यात्रा को निकले तो निरमंड आपका जाओ मतलब निरमंड से ऊपर जितने भी गांव पड़ते हैं, अब तो मैं भूल गया मैं 2018 में आया था, तो जितने भी गांव पड़ते हैं जो लोग भी मेरे को वहां से देख रहे हैं अगर कहीं भी आपको बाबा जी मिले तो भाई हेल्प करना, ठीक है भाई। तो गाइस अभी मैं पहुँच गया हूँ माता के मंदिर में, अब यहाँ पे दर्शन वगैरह करते फिर मैं दिखाता हूँ कि मैंने बाइक में क्या कराया है।
तो गए अभी दर्शन वगैरह तो जो हो गए हुए। और भाई आपको दिख रहा है कुछ मेरे बाइक में अलग दिख रहा है? दिख रहा है? किस किसने गैस करा? तो भाई चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। तो गैस मैंने अपनी बाइक में डला दिया अपोलो अल्फा H1 के टायर्स। आपको पता है भाई कितने बेस्ट टायर्स है भाई, जो इनमें लीन जो रहा ना। और भाई जो साइज कंपनी से आता है 150 वो जो है पीछे डला दिया, और भाई 110 जो साइज आता है वो आगे डला दिया भाई। देख रहे हो अपोलो, देख रहे हो भाई यहाँ पे 110 और पीछे 150। देख रहे हो भाई अपोलो भाई क्या टायर है, मतलब मजा आ गया भाई इस टायर से। इस टायर के साथ लीन वगैरह करके देखो भाई अल्फा H1 क्या ही टायर है गाइस, क्या ही लीन हो रहा है कसम से। और भाई इसमें जो स्टिकरिंग वगैरह होती है मैंने अभी तक कराई नहीं है। और ये इंडिकेटर भी ब्लैक कर रहा है, लाइट भी, और ये वाला इंडिकेटर भी। और इसमें ब्लैक लिस्टेड लिखना है या ONZ का स्टिकर लगेगा। और भाई इसमें पेंट वगैरह कराना है वो हम रोडू में कराएंगे, ठीक है। बाकी अपनी बाइक मतलब बिल्कुल ओके। और भाई इसका जो टैंक रहता है इसमें भी हम पुट्टी भरा देंगे, पेंट करा देंगे। तो गाइस ये जो है 60 का प्लान था कि हम अपनी जान में जो है अच्छे शूज़ दिलाएंगे, शूज़ इन द सेंस गाइस टायर, ठीक है भाई। देखो कितने प्यारे टायर है गाइस, और इसमें जो लीन हो रहा है ना भाई, मतलब बाइक ना खुद ही बोल रही कि भाई मेरे को और ज़्यादा टिड्डी कर, और ज़्यादा टिड्डी कर। अभी गाइस मैं आपको टाइम दिखा दूँ तो अभी हुआ है भाई 9:38। तो भाई अभी चलते हैं फटाफट से, निकलते हैं यहाँ से। रोडों से और पत्थर से बहुत ज़्यादा डर लगता है अब, क्योंकि भाई एक पत्थर भी आगे आ जाए ना टू व्हीलर है नहीं कंट्रोल होती भाई, ठीक है। और भाई बंदे जैसे मेरे को बोलते ना कि भाई तेरे हमेशा जो है क्रैश होते रहते ऐसा वैसा। भाई क्रैश ना बड़े से बड़े क्रिएटर के भी हो जाते हैं, बाकी आपने देख ही लिया होगा किसका क्रैश हुआ है, ठीक है। वो बात है भाई, गिरता भी वो है भाई जो उठने का दम रखता है। इस बंदे में उठने का दम ही नहीं होगा वो क्या गिरेगा, ठीक है। कई बंदे देखे मैंने क्रैश होते हैं उसके बाद बाइक राइडिंग ही छोड़ देते हैं, या फिर मतलब उनके घर वाले उनकी बाइकें बेच देते हैं, ठीक है। हम वो बंदे नहीं भाई, हम हार नहीं मानते, ठीक है ना। बाकी आपको पता ही है गाइस क्या बोलना यार है, छलारू कुछ साले गाइस तुम्हारा भाई ना बीमार भी चल रहा है एक दो दिन से भाई, हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा यार, ठीक है। तो चलते हैं भाई फटाफट से। ओ भाई भाई भाई, भाई। भाई 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 क्या कर रहा है भाई, ओ यार गुड गुड अंकल जी। ओ भाई बच गया यार, वैसे भी ठेक भी जो क्रॉस कर दिया भाई, अब जाके भाई साइन आ गया लो फ्यूल भाई, ऊपर आया नहीं अब यहाँ आ रहा है। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं भागे भराएंगे कहीं पेट्रोल। ओ भाई क्या मजा आ रहा है भाई, ओ भाई क्या ही लीन हो रही है यार भाई, कसम से भाई नेक्स्ट लेवल मजा आ रहा है गाइस, नेक्स्ट लेवल मजा भाई। ओ भाई क्या ही लीन हो रही है गाइस, मजा आ गया भाई। ओ भाई ये तो गाइस निकलती दूजी है यार, हो भाई ओ भाई मजा आ गया गाइस, बहुत ज्यादा जो है मजा आ गया भाई। तो भाई अभी मैंने शॉर्टकट लिया है, अभी शॉर्टकट को क्रॉस करते हैं और आपको आगे हाईवे में मिलता है। देख रहे हो गाइस रिएक्शंस, वाह भाई अपनी बाइक बनी इतनी प्यारी है गाइस, आपको पता ही है। अभी चलते हैं गाइस यार शॉर्टकट का जो है क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको हाईवे पे मिलते हैं आगे। गाइस अभी मैं पहुंच गया हूं भाई छैला, और भाई मेरा ना कैमरा ऑफ था और भाई मैं राइडिंग के मजे ले रहा था भाई, पता ही नहीं लगा कसम से बता रहा हूं, क्या ही लीन जोर थे गाइस, मजा आ गया कसम से बता रहा हूं भाई। अभी यार फटाफट से यहाँ से निकलते आगे तेल भराते भाई, लो फ्यूल लेवल देख रहे हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसने तेल ही नहीं भरा। मैं देखना चाहता था गाइस कि एक डंडे में जो है मेरी बाइक कहाँ तक पहुँचती है शिमला से। तो भाई आपके सामने है छैला, तो हमने जो है अब क्रॉस कर ही दिया समझो। राइट भाई देख रहे हो एकदम से गड्डी, वाह क्या स्पीड खींची थी भरे से यार। चलो कोई चक्कर नहीं भाई, मजा आ गया भाई एकदम से गाड़ी आ गई यार, भाई मजा आ गया यार। मैं यही देखना चाहता था गाइस कि मेरी बाइक जो है एक डंडे में कहां तक पहुंचती है, देख रहे हो भाई। भाई इतनी ज्यादा स्टेबल हो गई है ना बाइक जब से जो मैंने टायर चेंज करे हैं। तो मैं 9:15 पे जो है शिमला से निकला था, और भाई 10:09 पे मैं छैला हूँ, और भाई अब मेरे को देखो रोडू के लिए कितना टाइम लगता है, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा भाई आज।
हाथों के हाल तो आप अभी देख पा रहे होंगे भाई, स्किन जो है अभी भी नहीं आई है, अभी वही सॉफ्ट सी स्किन आई है देखो यहाँ पे भाई, तो अभी भी पेन तो बहुत ज़्यादा है। और राइडिंग ग्लव्स भी मैंने अभी इसी वजह से नहीं लिए कि भाई अभी पेन है हाथों में, और मैंने जैकेट भी लेना है। और गाइस 26 को तुम्हारे भाई का बर्थडे भी है, तो देखते हैं बर्थडे पे तो क्या क्या प्लान्स जो है रहते हैं, पर मज़ा आने वाला भाई इस बारी बर्थडे पे, अब नेक्स्ट लेवल मज़ा गाइस। ओ भाई अभी तुम्हारा भाई जो है पहुँच गया है पेट्रोल पम्प में, और भाई देख रहे हो अब यहाँ पे जो है लो फ्यूल लेवल आया है। शिमला से बाइक जो है एक ही डंडे पे आई है भाई यहाँ तक, देख रहे हो ये देखो भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल इसकी माइलेज हर कुछ है यार। और टायर भी जैसे चेंज हो गया ना तो माइलेज जो है और ज़्यादा देगा, बड़े टायरों के साथ आपको पता है भाई उतनी माइलेज जो है बाइक नहीं देती है, क्योंकि भाई आपको पता हैवी हो जाता है टायर, ठीक है। मैंने तो इसलिए लाया था कि भाई लुक अच्छी आ रही थी और मतलब ग्रिप थी थोड़ी उसकी अच्छी, वो भी रखे हुए ऐसा नहीं है यार, ठीक है। हम अपनी चीज़ें जो है वेस्ट नहीं करते गए, जो भी रखी हुई है अभी तक, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तेल भराते हैं 500 रुपये का, फिर निकलेंगे यहाँ से भाई, मज़ा आ गया नेक्स्ट लेवल भाई आज। तो भाई अभी पेट्रोल जो है भर दिया हुआ है 500 का, देख रहे हो। अब देखते भाई कितने डंडे आए ज़रा, हाँ अभी देखते भाई इसमें आगे है आपका 3 डंडे आगे हुए। और भाई टाइम आपको दिख ही पा रहा होगा भाई 10:15 हो गए हुए, मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो 10:15 हो गए हुए। अब देखते भाई मेरे को जो कितना टाइम लगता है रोडू तक, ओ भाई एम्बुलेंस गाइस। इस पूरे इलाके से रोडू से बावा है सिर्फ गाइस, समझ रहे हो, रोडू जुब्बल नावरकोट खाई। तो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूं खूबसूरत वादियों के बीच, और ये खूबसूरत वादियां हैं भाई खड़ा पत्थर की। गाइस इतनी गर्मियों में इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चली है ना भाई, मजा आ गया यार, देख रहे हो भाई पेड़ ही पेड़ और बीच में रोड, भाई आनंद मिल गया यार। अब गाइस कहीं आगे रुकेंगे और सिस्टी को कॉल करेंगे जरा, उसको मैं बोलूंगा कि मैं पहुंच गया भाई, वो लड़की ना परेशान हो जाएगी इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। अभी देखना गाइस यहाँ पे रुके, हाँ यहीं पे रुक के जो है फोन वगैरह करते हैं जरा यार। गाइस मैं आपको टाइम दिखा दूँ तो ये देख रहे हो भाई 10:39, खुद देख रहे हो भाई 10:39 हुए और तुम्हारा भाई पहुंच गया है कहाँ, वादियों में गाइस, देख रहे हो व्यू। अभी देख रहे हो किसकी कॉल आ गई हुई है भाई, सिस्टी जी की। अभी देखना गाइस अभी सुनना क्या बोलेगी। हेलो, हाँ जी पहुंच गया मैं खड़ा पत्थर, कसम से वीडियो कॉल करके देख ले उड़ के, मैंने बोला था ना भाई ये लड़की जो चौंक जाएगी, तेरे को सही में विश्वास नहीं हो रहा नहीं। वीडियो कॉल कर मेरे को जरा, उस पे क्या ना बोलते हैं व्हाट्सएप पे, हाँ जी देख रहे हो गाइस इस लड़की को, मैं खड़ा पत्थर, रुक जा नहीं मानना ना, रुक जा ये देख गाइस रिएक्शन देख रहे हो इस लड़की के उड़ाते हुए ये देख क्या हुआ, मैं सोच रही थी तो मुझे वहां से फोन करेगा कहां से वो जहाँ वो सिट्टू बनता है तू सही में विश्वास नहीं कर रही है बीवी यार, तू अभी तो गया थोड़ी देर पहले कितना टाइम होता उस टाइम पे जब नो एंट्री लगी थी, 9:15 देख रहे हो गाइस, मैंने बोला था ना भाई 9:15 हुए थे। हाँ आराम से चला गया हूँ मैं, आराम से चला, तब जाके तो 1.5 घंटे में पहुंच रहा है रोडू से बाबा गाइस। अब इसके बाद मैं ब्लॉग देखती हूँ, स्पीड रुक चल ठीक है करता हूँ तेरे से बाद में, नेटवर्क कम है गाइस, मैंने बोला था ना ये लड़की इमोशनल हो जाएगी इसलिए मैं इसको वीडियो कॉल नहीं करता, ठीक है बाय, फोन कट कर, बाय। गाइस मतलब इस लड़की को ना भाई यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं खड़ा पत्थर पहुंच गया, मैंने बोलता ना मैं 9:15 पे चला था वहां से भाई, और अभी मैं टाइम दिखाऊं तो अभी हुआ है भाई, इतना तुमको चाहूंगा तुम पागल हो जाओगी देख लेना बन के शरारा देख मेरा
और भाई आज मुझे जो अपनी बाइक के पेंट के लिए भी पूछना है कि भाई इसमें पेंट जो है हो जाएगा नहीं होएगा, मतलब आज हो जाए तो और ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अभी तो भाई 11 ही बजे है, ठीक है, मतलब 11 बजे भी नहीं है बजने वाले हैं, तो भाई अगर आज जो है टाइम से हो जाए तो भाई बहुत बेस्ट हो जाएगा। मैं जो जल्दी वापस भी निकल सकता हूँ, इसमें पेंट वगैरह भी जो है करा देंगे, ठीक है, रोडू में अपने भैया उनसे करा देंगे, ठीक है, और भाई पूजन कल हो जाएगा फिर तो हम फ्री हो जाएंगे जल्दी। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं रोडू अपने पेंट का पूछ लेते हैं। तो भाई अब मजा आने वाला, वापस आ गया शेर अपनी सिटी में। ओ भाई अब तो गाइस आपको पता ही है, जय मां हटेश्वरी, रक्षा करना माते। आप तो गाइस आपको पता ही है भाई, ओ भाई चार रोड हो गया भाई यार। भैया जी परे रख दो। ओ भाई आप तो गाइस आपको पता ही है भाई, पागल हो जाता है। हेलो हेलो हेलो, ओ भाई ओ भाई, शिट 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 शिट, ओ भाई गाड़ी आ गई आगे यार, नहीं तो पूरा 143 मार देता भाई, मजा आ गया यार। पर भाई यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है यार, कहीं कहीं पे मौसम ठंडा, कहीं कहीं पे गर्मी है। ओ भाई ओ भाई, यहाँ पे तो गाइस मेरी बाइक 100 से नीचे आने का नाम नहीं लेती है यार, यहाँ पे गाइस पेट्रोल पंप में ना कभी भी कोई भी कहीं से भी कट मार सकता है। ओ बच्चू बच्चू बच्चू, गाइस काय का बच्चा गाइस, ओ भाई भाई देख रहे हो, एक हाथ का लीन देख लो, 113 पे एक हाथ से लीन भाई, देख रहे हो। ओ भाई आई एम बैक बाबा लोग, ओ भाई फाइनली गए, अभी हम पहुंच गए हुए भैया की शॉप पे, चलते हैं पूछते हैं फटाफट से आज काम जो हो पाएगा नहीं हो पाएगा। नमस्कार भैया, कैसे हो आप? बढ़िया। और भाई? बढ़िया। और भाई? बढ़िया यार। भैया इसमें थोड़ा काम था करने को, फ्री हो आप आज? अभी तक तो हो ना, ये करना है ये करना है, अरे इसका हो सकता है कुछ डेंट का? और भाई क्या हाल है? बढ़िया, बस बढ़िया। इसमें ना डेंट कवर लेवल हो जाएगा। हो जाएगा लेवल? कैसे? पुट्टी भरते हैं ना इसको। हाँ हाँ, और हो जाएगा, पुट्टी भर के ही हो जाएगा ना। तो इसमें कितना टाइम लगेगा?
टाइम कितना लगेगा भैया इसमें? मतलब शाम तक तो हो जाएगा पक्का? और इसमें क्या करेंगे फिर आप? इसमें पट्टी भरेंगे, इसको स्टिकर सारे निकलेंगे। स्टिकर लगवाने हैं आपने? आप बोलो कैसे होएगा फिर? अगर स्टिकर निकाल देते तो बढ़िया हो जाएगा। तो निकाल दो स्टिकर, फिर नए लगा देंगे। जेन्युइन काम हो गया अपने रोडू में आके। मतलब शिमला मैंने एक जगह पूछा था तो भाई मेरे को 2500 बोल रहे थे, तो भाई बहुत जेन्युइन प्राइस में जो अपना काम यहाँ पे होने वाला है। तो अपनी बाइक तो भाई यहीं पे खड़ी रहने वाली है, मतलब शाम को मिलने वाली है बाइक। तो